हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड चॉप की रेसिपी। यहाँ हम लोकल में इसे ब्रेड चॉप कहते हैं, आप इसे ब्रेड के पकोड़े भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड चॉप बनाने की रेसिपी। पहले मैंने आलू और अंडे को बॉईल कर लिया था और इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। ये है अंडा, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये हरा धनिया, उसके बाद हरी मिर्च और हमें कुछ मसाले लगेंगे, नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और भुना हुआ मसाला। ये भुना मसाला होममेड है, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं बॉइल्ड आलू ले रही हूँ, उसके बाद उसमें मैं ग्रेट किए हुए अंडे डाल रही हूँ, उसके बाद चॉप्ड किया हुआ धनिया के पत्ते और चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च, और ये मैं मसाला डाल रही हूँ, पाउडर मसाला। इसमें नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, भुना हुआ धनिया है, काली मिर्च है और होममेड भुना मसाला है। अब मैं स्टफिंग को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो स्टफिंग यहाँ तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ ब्रेड ले रही हूँ और ब्रेड की एजेस को हम नाइफ से काट लेंगे। हमें एजेस नहीं चाहिए, सिर्फ बीच की पोर्शन हमें लगेंगे, तो हम चारों एजेस को काट लेंगे। तो वैसे ही हम सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। एजेस कट किया हुआ ब्रेड को हम बीच से कट कर लेंगे और उसमें हम एक साइड में स्टफिंग अच्छी तरीके से फैला लेंगे। हाथों के मदद से प्रेस करते हुए हम एक साइड में पूरी तरीके से फैला लेंगे और दूसरी साइड की ब्रेड को हम उसी के ऊपर उठा देंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकल जाए। तो देखिए, ये तैयार हो चुका है। अब हम ऐसे ही सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। और ब्रेड चॉप बनाने के लिए हमें बेसन की लिक्विड लगेंगे और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ बेसन, पानी, नमक, कुछ पाउडर मसाला जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, भुना हुआ मसाला, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, ये सब डालकर मैंने यहाँ मिक्स तैयार कर लिया है। अब ब्रेड को हम एक एक करके उसमें डिप करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसे अच्छी तरीके से मैंने कोट कर लिया है। इसे हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे, तेल गर्म होना चाहिए और इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम सारे ब्रेड्स को इसमें डाल देंगे और इसे दो साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ब्रेड चॉप यहाँ फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक एक करके सारे ब्रेड चॉप को निकाल लेंगे। तो ब्रेड चॉप हमारा यहाँ तैयार है, अब हम इसे केचप के साथ सर्व कर लेते हैं। तैयार है हमारा गर्मा गर्म ब्रेड चॉप। मैंने इसे टमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर लिया है। देखिए, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताना। और हाँ, आप इसे घर पर ट्राई करना और इसे भी कमेंट कर हमें बताना कि कैसा हुआ। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।